नमस्कार, और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। और आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के सोशल साइंस कंप्लीट नोट्स को तैयार कराए जाएंगे, जो कि आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर सीटेट की तैयारी में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और मैंने कक्षा 6 से 8 तक के सोशल साइंस को कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके ज़रूर देखें, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आज का जो मुख्य बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है बुद्ध के बारे में। आप समझ चुके होंगे, इसमें हम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में जानेंगे। तो जो बुद्ध है, वैसे जानकारी तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो कक्षा 6 में है उसके अनुसार बौद्ध धर्म के ये संस्थापक रहते हैं, और सिद्धार्थ, इन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो 2500 वर्ष पूर्व क्षत्रिय शाक्यगण में हुआ था। शाक्यगण के ये रहते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए गया में ये जाते हैं। सारनाथ में, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया में होती है, पीपल वृक्ष के नीचे, आप जानते हैं। और सारनाथ, जो सारनाथ है वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानकारी थी बुद्ध के बारे में। फिर है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो प्राकृतिक भाषा रहती है, इन्होंने दिया है। और आत्मसंयम पर को अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो अगर कहा जाए कि इन्होंने शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में। इनकी जो शिक्षा थी उनके अनुसार आत्मसंयम पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। फिर उपनिषद, तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप। देखिए, जो नेक्स्ट है षट दर्शन, मतलब सिक्स दर्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है न्याय दर्शन। तो इसकी जो रचना है वो गौतम ऋषि ने की है। तो कभी भी न्याय दर्शन पूछा जाता है तो आप गौतम ऋषि को याद रखें। फिर है सांख्य दर्शन, तो कपिल ऋषि। योग, पतंजलि ऋषि है। पूर्व मीमांसा, तो जैमिनी ऋषि है, इनके अनुसार है, इनके द्वारा है। उत्तर मीमांसा, तो व्यास ऋषि। और वैशेषिक दर्शन, ये है ऋषि कनद के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है पाणिनी। तो यह काफ़ी विद्वान ये रहते हैं, और इन्होंने ही संस्कृत व्याकरण की रचना की। नेक्स्ट है जैन धर्म। तो बुद्ध के साथ ही जैन धर्म का भी प्रचार, प्रसार, विकास होता है, और यहाँ पर महावीर का नाम आता है। तो ये भी 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और आप कह सकते हैं कि अंतिम तीर्थंकर भी रहते हैं। महावीर जो है वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार रहते हैं। लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, और इन्होंने अहिंसा पर काफ़ी कड़ाई से नियम अपने लागू किए। अहिंसा का कड़ाई से इन्होंने खुद भी पालन किया, और अपने शिष्यों को भी इसे पालन करने के लिए कहा। तो देखिए, ये जो अध्याय 6 है उसका ये जो चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, तो उसका ये जो आज का हमारा पार्ट 1 है आज यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।